और बच्चों कैसे हो सब? इस वक्त राखी का त्योहार आ रहा है, कुछ अच्छा सा बनाना है। ऐसे में चाहिए आपको कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड। अगर नहीं है घर पर तो बनाइए सिर्फ दूध से कंडेंस मिल्क। हाँ, तो यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क बना रहे हैं। इसके लिए आप कोशिश कीजिए, दूध लीजिए फुल क्रीम। हमने हाफ लीटर दूध लिया है। एक मोटे तले का बर्तन लीजिए जिससे जलने का कोई चांस ना हो। बर्तन में हमेशा धो लीजिए या एक चम्मच पानी जरूर डालिए। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध को हम स्टार्टिंग में चलाते रहेंगे जब तक पहला उबाला ना आए। अब दूध उबलना शुरू हुआ है। इसमें एक कप 250 ml वाला जो कप होता है, एक कप लेंगे चीनी का, या नॉर्मल घर की बड़ी कटोरी होती है वो ले लीजिए। अगर ग्राम्स में आपको परफेक्ट चाहिए कितना ग्राम, तो 200 ग्राम 200 ग्राम आप चीनी डाल दीजिए। और करीब करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। कभी कभी आप चलाते रहिए, कभी छोड़ दीजिए और इसे पकने दीजिए। जब ये आधे दूध से भी कम हो जाएगा, मतलब 500 ml हमने दूध लिया था और उसमें 200 ग्राम हमने चीनी डाली है, सारा पकने के बाद ये आधे दूध से भी कम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, तब हम गैस बंद कर देंगे। 2 pinch मीठा सोडा डालेंगे। उससे क्या होता है पता है? ये काफ़ी दिनों तक सेफ रहता है। और ये जो छोटी छोटी मलाइयाँ जम जाती है ना दूध में उबलने के बाद, वो सारा प्लेन हो जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। और इसे डालकर इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए कमाल, कितना बढ़िया हो गया। इसका कलर भी चेंज हो गया, एकदम प्लेन हो गया और इसकी लाइफ भी बढ़ गई। इसे ठंडा करिए, फिर एक जार में भर के रख दीजिए। अब बनाइए जो आपको बनाना है कंडेंस मिल्क से। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट है। बस अब लाइए ब्रेड और उस पर लगा कर खाइए।